माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं पुरुषोत्तम रघुवंशी, ग्रामीण मंडल अध्यक्ष पिपरिया, निवास है मेरा ग्राम खेरीकला, जिला होशंगाबाद। माननीय हमारी सरकार केंद्र एवं राज्य की बहुत अच्छा कार्य कर रही है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मेरी ओर से शुभकामनाएं। मेरा आपसे एक सवाल है, देश को आजाद हुई इतने वर्ष हो गए हैं, लेकिन फिर भी कुछ जिले इतने पिछड़े हुए हैं, इसके लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है? मेरा ये सवाल है आपसे, कृपया जवाब देने की कृपा करें, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पुरुषोत्तम जी, आप एक मंडल के अध्यक्ष हैं, लेकिन मुझे खुशी है कि आप पूरे देश के भी विषयों की चर्चा करते हैं, और यही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से अपेक्षित है कि वो किसी स्थान पर हो, किसी पद पर हो, लेकिन वो सोच राष्ट्रव्यापी होनी चाहिए, और वो आज आपके सवाल में मुझे दिख रहा है। मैं सबसे पहले आपके सवाल के लिए बधाई देता हूँ। देखिए, हमारे देश में बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट के विकास के लिए योजनाएं तो आज़ादी के समय से बनती रही है। ये योजनाएं बनती रही, चलती रही, सरकारें भी बदलती रही, योजनाएं भी बदलती रही, परंतु इन पिछड़े जिलों की किस्मत नहीं बदली। और मेरा मानना है कि स्थिति से बाहर निकालने के लिए पूरे देश को एकजुट होना पड़ेगा, सरकार, अधिकारी, जनप्रतिनिधि, जनता स्वयं, हर कोई एक फोकस एक्शन प्लान के तहत काम करें। इसके लिए हमने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, आकांक्षी जिलों पर काम शुरू किया है। इन जिलों को लेकर बैकवर्ड होने का जो माइंडसेट बना हुआ था, सबसे पहले हमने उसको तोड़ने का काम किया है। मेरा मानना है, अगर किसी जिले पर पिछड़े होने का ठप्पा लग जाएगा तो उसे आगे बढ़ने में मानसिकता ही टूट जाती है, अनेक दिक्कतें आती है, और इसलिए हमने इन जिलों को आकांक्षी जिले, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट या आकांक्षी जिले का नाम दिया है। सरकार ने देश में 115 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, आकांक्षी जिलों की पहचान की है, और उसी भावना के अनुरूप उन्हें उनका उचित सम्मान दिलाने की ठानी है। अभी जिन राज्यों के बूथ कार्यकर्ताओं से बात हो रही है, इन राज्यों को भी कई जिले आकांक्षी जिलों में शामिल हैं। हमारा ध्येय यही है कि जो जिले पहले पिछड़े होने का दाग झेलते आए थे, वो विकास की यात्रा में गर्व से सहभागी बन सके। यहाँ के लोग अपनी आकांक्षाओं के अनुसार खुद को आगे लेकर के बढ़ें। अभी पिछले दिनों मैं छत्तीसगढ़ के जांजगीर और वहाँ के दौरे पर गया था। मैंने देखा कि अब वहाँ की तस्वीर बदल रही है। किसानों को यूरिया मिलने से लेकर गरीबों के घर गैस कनेक्शन पहुँचा है, गांव-गांव तक बिजली पहुँच गई है, कम समय में काफ़ी बदलाव आया है। यही तरक्की है इन चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए।